नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं रेनू वैद आज आपको भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सब जानते हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3, पार्ट नंबर जो 3 है आपका, वो उस चैप्टर का नाम है आपके, क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो क्या है संघीय व्यवस्था, वो देखते हैं बच्चों। संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करें बच्चों, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 भारत के संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है और भाग है आपका 1। अब बात आती है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 1 है बच्चों, वो ये कहता है, क्या कहता है वो अनुच्छेद? ये कहता है कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बच्चों। भारत के लिए राज्यों के संघ की बात, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है और भारत का नाम, इस देश का नाम रखा गया भारत या इंडिया, ये हमारे अनुच्छेद 1 में हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है बच्चों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये कहते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, नए राज्यों को हमारे भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी, इनको हमने बाद में शामिल किया, तो नए राज्यों के प्रवेश की बात अनुच्छेद 2 कहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें बच्चों, तो अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण की बात कहता है और ये कहता है कि नाम को आप परिवर्तन कर सकते हो, नाम को परिवर्तन कर सकते हो, सीमा परिवर्तन कर सकते हो। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बात ये कही गई है। और अनुच्छेद 4 कह रहा है कि संसद जो है क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से ऐसे प्रस्ताव जो अनुच्छेद 2 और 3 में है उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है बच्चों। ऐसा हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 है। तो आपने इन चारों अनुच्छेदों के आधार पर, देखो बच्चों बुक में ये सब नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा तुम लोगों को नॉलेज दे रही हूँ कि आगे के कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके लिए फायदेमंद रहे बच्चों। तो भारत की संघीय व्यवस्था का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक ये कहता है कि भारत के संघ व राज्य क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। देखो बच्चों, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, भारत के लिए राज्यों का संघ यूज किया गया है। यूनियन शब्द का उपयोग 1935 के अधिनियम में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में राज्यों का संघ बताया गया है। अब बात आती है बच्चों, हमने ये जो हमारा संघीय व्यवस्था है वो कहाँ का प्रतिमान है, कनाडा का प्रतिमान। कनाडा के मॉडल को हमने स्वीकार किया है क्योंकि वहां पर मजबूत केंद्रीय व्यवस्था है, वहां पर केंद्र को क्या दिया गया है, सर्वोपरि माना गया है। बाकी अगर हम संघीय व्यवस्था की बात विश्व दृष्टिकोण से करें बच्चों, तो 1 है आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा आपका कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा,
स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड, रूस, इन सब देशों में आपको क्या मिलती है बच्चों? इन सब देशों में आपको संघीय व्यवस्था के प्रतिमान मिलेंगे। अब बात है कि संघीय व्यवस्था, अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। जबकि भारत की संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर भारत एक बड़ा देश होने के कारण केवल शक्तियों का बंटवारा करने के उद्देश्य से राज्यों में क्या किया गया, राज्यों को शक्तियां दी गई। मतलब यह अमेरिका की संघीय जो व्यवस्था है वहां पर छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है, लेकिन भारत में भारत एक राज्य है और प्रशासनिक इकाई को ध्यान में रखते हुए उसको कई राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मतलब संघ से राज्यों में तब्दील हुआ है, जबकि कई राज्यों को मिलाकर संघ बना है अमेरिका का संविधान। अब बात आती है बच्चों किसकी, यह आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है बच्चों, भारत की संघीय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में को राज्यों का संघ कहा गया है और भारत का जो संघीय व्यवस्था का मॉडल है बच्चों वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। तो क्यों कहते हैं, भारत में क्या ऐसे तत्व है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण मौजूद है, क्या है भारत में वो, सबसे पहले देखते हैं बच्चों। पहला है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखो बच्चों, हम हमारे देश को संघीय व्यवस्था वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का संविधान में विभाजन किया गया है। और हमारा भारतीय संविधान, ये आप लिख लेना कॉपी में, इधर वाला एक बार और देख लेते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 भारत के संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है भारत में, इसकी बात कहता है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों के निर्माण की बात कहता है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है तो संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत के माध्यम से भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के प्रतिमान पर आधारित है। उसके बाद अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड और रूस, यहाँ पर संघीय व्यवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की संघीय व्यवस्था की बात करें तो वहां पर संघ बना है छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, जबकि भारत एक बड़ा राज्य था और उसको प्रशासनिक और बड़ी इकाई होने के कारण शक्तियों का विभाजन करने के लिए राज्यों में विभाजित किया गया था। तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था और भारत का जो संघ बना, उन दोनों में क्या पाया जाता है बच्चों, अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों शासन शक्तियों के स्पष्ट विभाजन की, कि भारतीय संविधान के जो आधारभूत तत्व है उसमें क्या क्या चीजों को समाहित किया गया है, और इन आधारभूत तत्वों के माध्यम से बच्चों हम कह सकते हैं कि भारत में क्या है, कौन सी व्यवस्था है, भारत में संघीय व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। क्या है ऐसी बात इसमें, वो देखते हैं बच्चों। देख, आप सब जानते हैं बच्चों भारतीय संविधान की अनुसूची सात और आपका अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 और आपका अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन करती है। शक्तियों का क्या करती है,
विभाजन करती है और तीन सूचियां बनाती है बच्चों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 7 और अनुच्छेद 246 में देखने को मिलता है बच्चों। 12, 13 और 14 जो भाग है आपके, उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है। विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, व्यापारिक और वित्तीय शक्तियां, इन तीन कैटेगरियों में इसको डिवाइड करके इन सब का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। तो क्या है इसमें, देखो बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में जो तीन सूचियां बनाई है बच्चों, वो पहली सूची है आपकी संघ सूची। कौन सी सूची है? संघ सूची। दूसरी सूची है बच्चों राज्य सूची। पहली सूची संघ सूची, दूसरी सूची है बच्चों राज्य सूची, और तीसरी जो सूची है बच्चों वो है आपकी समवर्ती सूची। ये तीन सूचियों में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है अनुच्छेद 246 में, अनुसूची 7 में। शक्तियों का विभाजन क्या है? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है। बात आती है संघ सूची की बच्चों, तो संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और आपका संवर्ती सूची में 52 विषय है। अब जो है संवर्ती सूची, जो आपकी राज्य सूची थी उसके मूल संविधान में 61 थे, वर्तमान में 66 है। यहाँ पर आपके कितने थे? यहाँ पे 48 और अब आपके आ गई 52 अनुसूचियां जो है इसमें समवर्ती सूची में क्या की गई है, शामिल किया गया है। 47 विषय थे, 48, 49, 50, 51, 52 47 विषय थे, अब वर्तमान में 52, ये हो गए आपके 99। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची के विषयों पर, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो बच्चों किसको दिया गया? केंद्र सरकार को दिया गया, संघ सरकार को दिया गया बच्चों। और आपकी दूसरी बात करें किसकी, अपन दूसरी बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य सरकारों को दिया गया। जैसे संघ सूची में विषय आते हैं आपके रेल है, इसके अलावा विदेश विभाग है, रक्षा मंत्रालय है, ये सब जो आते हैं बच्चों, रक्षा मंत्रालय है, ये सब आपके इसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका बच्चों राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर मैंने आपको बताया कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकारों का है, किसका है? राज्य सरकारों का है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून राज्य प्लस केंद्र, दोनों सरकारें कानून बनाती है समवर्ती सूची पर। कौन सी सूची पर? समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार। 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। आपकी राज्य सूची में 61 थे, 66 हो गए हैं, और आपकी जो संघ सूची थी उसमें 97 विषय है। इन संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाती है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। अब राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन अगर दोनों के बीच में विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का निर्णय माना जाता है। तो आज आपने इसमें देखा कि शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हमारी सरकार ने किया है, और हमारी जो आपकी अनुच्छेद 246 और आपका जो भाग 12 और जो 13 है वो भारतीय संविधान की में विधायी, विधायी के बाद में प्रशासनिक,
इन सब शक्तियों का क्या करता है, केंद्र और राज्यों में विभाजन का कार्य करता है। दूसरा है बच्चों आपके निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सब जानते हो बच्चों भारत के लिए एक ही न्यायपालिका है, उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। नाम सुना है सर्वोच्च न्यायालय का? तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 124 इस बात की व्यवस्था करता है। और सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है बच्चों। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में न्याय प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो न्यायपालिका ही उस मामले का क्या करती है, निपटारा करती है। ठीक है बच्चों, तो कौन करती है निपटारा? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र व राज्यों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो विवादों का निपटारा करती है। तो हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे होते हैं बच्चों उच्च न्यायालय। क्या होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं। उसके बाद आता है बच्चों संविधान की सर्वोच्चता। अब आपने दो डेफिनेशन पढ़ी। क्या पढ़ी? आधारभूत तत्वों में पहला पढ़ा शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। देखो बच्चों शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन का उल्लेख अनुसूची 7 में है जिसमें बात कही गई है शक्तियों के विभाजन की, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। भाग आपका 12 और 13 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें कितनी सूचियां हैं, 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है संघ सरकार, जैसे रक्षा मंत्रालय, रेल, विदेश, ये सब जो चीजें हैं वो किसके अंदर में आती है? संघ सूची के विषयों के अंतर्गत आती है। राज्य सूची में आपका है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं बच्चों। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है। फिर आता है बच्चों संवर्ती सूची। संवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र व राज्य दोनों सरकारें बनाती है, लेकिन अगर दोनों में गतिरोध होता है बच्चों तो केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। ठीक है, तो ये 3 सूचियां आपने शक्तियों के विभाजन में पढ़ी। दूसरी विशेषता आपने देखी बच्चों क्या? निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय करने की सर्वोच्च संस्था है जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र जो संसद है, केंद्र सरकार है, उसकी निरंकुशता को रोकती है, राज्य सरकारों की निरंकुशता को रोकती है और संघीय ढांचे को एक आधार प्रदान करती है। और हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे आते हैं बच्चों उच्च न्यायालय जो सभी राज्यों में होते हैं। सभी राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद आता है बच्चों संविधान की सर्वोच्चता। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो सर्वोच्च है। हमारे राज्य व केंद्र सरकारों को जो पावर दे रहा है वो आपका कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संविधान का अनुसूची 7 इसका उल्लेख कर रही है, संविधान की सर्वोच्चता की बात कह रही है। ये देखो हमारा जो संविधान है केंद्र प्लस राज्य सरकार, केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी जो पावर लेती है, केंद्र व राज्य दोनों सरकारें जो पावर लेती है बच्चों वो किससे लेती है? वो संविधान से ग्रहण करती है। केंद्र सरकार जो है वो उनको शक्तियां नहीं देती है बच्चों। संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को पावर कौन देता है, शक्तियां कौन देता है?
संविधान देता है, संविधान ही शक्तियों का क्या करता है, बंटवारा करता है, शक्तियों का जो विभाजन करता है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का जो विभाजन करता है वो भी कौन करता है, संविधान करता है। केंद्र व राज्य सरकारों को शक्तियां देता है वो भी कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को शक्तियां देती है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहती है, लेकिन संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान के नियमों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार केंद्र व राज्य सरकारें काम करती है। तो जहां पर संघीय व्यवस्था है वहां पर संविधान क्या होता है बच्चों, सर्वोच्च होता है। फिर है बच्चों एकल नागरिकता। आप सब जानते हैं बच्चों हम सब भारतीय है, हम सब क्या है, भारतीय। भारतीय संविधान का जो भाग दो है वो नागरिकता की बात कहता है बच्चों। और हमारे भारत में जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बच्चों दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में हर भारतीय को राज्य का नागरिक तो माना गया है, लेकिन उसको नागरिक किसका माना जाएगा, किसका माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। तो उससे पता चलता है कि केंद्र सरकार का पलड़ा हमारे संघीय व्यवस्था में भारी है। आपने शक्तियों के बंटवारे में भी देखा कि केंद्र सरकार संवर्ती सूची के मामले में सर्वोच्च जो पावर है वो किसको है, केंद्र सरकारों को है। फिर आता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन है राज्यसभा। नाम सुना होगा बच्चों राज्यसभा का, हमारी संसद जो है पार्लियामेंट है उसके दो सदन है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है हमारे। और ये जो दोनों सदन है उसमें लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो राज्य विधानसभा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। एकल संक्रमी मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं राज्यसभा के मेंबर। तो ये राज्यसभा के मेंबर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में एक राज्यसभा सदन बनाया गया है जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद आता है बच्चों राज्यपाल का पद, सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 152, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में कहा है राज्यपाल का पद होगा, और 153 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का की नियुक्ति की जाएगी और राष्ट्रपति जो है उसको नियुक्त करेगा। अब देखो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के पद का क्या होता है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति के निर्देशन में ही राज्यपाल कार्य करता है। राज्यपाल चुना नहीं जाता, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल हमेशा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर ही क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। तो इस राज्यपाल को लेकर के कई बार केंद्र व राज्य सरकार में विवाद का विषय रहा है, लेकिन आज भी केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य प्रतिनिधित्व या मध्यस्थता की जो भूमिका निभाता है बच्चों वो कौन निभा रहा है, राज्यपाल। जो आगे के वीडियोस में हम राज्यपाल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है बच्चों किसकी, एकात्मकता का प्रभुत्व। आप सब जानते हो एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है, शासन में भी केंद्र सरकार का पलड़ा ज्यादा भारी है, केंद्र सरकार को हमारा संविधान ज्यादा शक्तिशाली मानता है, राज्यपाल नियुक्त तो कर देता है, राज्यसभा भी ज्यादा पावरफुल नहीं है जो राज्यों का संघ है, लोकसभा को ज्यादा पावर दिए गए हैं जो केंद्र सरकार का सदन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का क्या है, प्रभुत्व है, केंद्र सरकार का प्रभुत्व माना जाता है। फिर आता है बच्चों, तो ये आपने देखी
आधारभूत तत्व भारत की संघीय व्यवस्था के। पहला है बच्चों शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, दूसरा है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, चौथा है एकल नागरिकता, पांचवा है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, छठा है राज्यपाल का पद और सातवां है आपका एकात्मकता का प्रभुत्व। तो आज हमने भारत की संघीय व्यवस्था के जो तत्व है उनको देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में एकात्मक शासन के जो आधारभूत तत्व है उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था का प्रतिमान बच्चों हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडाई प्रतिमान पर हमारा भारतीय संविधान आधारित है और भारत की संघीय व्यवस्था जो है मजबूत केंद्र की व्यवस्था करती है। और केसी वैयर साहब ने, किसने नाम भी सुना होगा बच्चों आपने, केसी केसी वैयर साहब ने भारत की संघीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा। क्या कहा बच्चों? अर्ध संघात्मक कहा। ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद के नाम से जाना। अलग अलग विद्वानों ने भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज आपने भारत की संघीय व्यवस्था पढ़ा, इसको जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा उसको लिखते जाइए। और कक्षा 12 के विद्यार्थी जो राजनीति विज्ञान की मेरी क्लास ले रहे हैं वो मेरा पूरा वीडियो देखे, और वीडियो के साथ साथ आपको नव भारतीय स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक्स करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि मैं आपके लिए आगे के वीडियोस बनाती रहूं और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा देती रहूं। धन्यवाद।